घोषणा पत्र करने के लिए प्रदेश के जातीय मंत्री धारा सिंह चौहान जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इस जनपद के लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक आगारिया जी अंजाम उसके हाथ में आगाज करके देख और दिए हुए परों से धन्यवाद और उनके साथ प्रथम परेड कमांडर क्षेत्र अधिकारी लाइन श्री नंदलाल जी एक बार फिर से आदेश के क्रम डिप्टी कमांडर श्री विजय कुमार सिंह प्रस्ताव निरीक्षक डिप्टी कमांडर श्री राम तिवारी उप निरीक्षक पुलिस लाइन माउंट बैंड पार्टी बैंड लेजर श्री समीर नगर पालिका और प्लाटून नंबर वन मार्चिंग दस्ता धार्मिक पुलिस कमांडर उप निरीक्षक योगेश कुमार यादव प्लाटून नंबर दो मार्चिंग दस्ता सशस्त्र पुलिस कमांडर उप निरीक्षक गंगा सागर मिश्रा प्लाटून नंबर तीन मार्चिंग दस्ता कमांडर उप निरीक्षक रंजीत विश्वकर्मा प्लाटून नंबर चार मार्चिंग दस्ता सुनील यादव पुलिस लाइन कमांडर उप निरीक्षक राजेश कुमार वर्मा प्लाटून नंबर फाइव मार्चिंग दस्ता पीएसी कमांडर पीसी संजीव यादव तालियां बजाइए मैं चाहूंगा कि स्टर्निंग ओवेशन इन जवानों को जरूर दिया आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि खड़े होकर कम से कम उनका इनका हौसला आप जारी करें आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम स्टैटिक ऑफिसर प्लाटून नंबर फाइव प्लाटून नंबर सिक्स मार्चिंग दस्ता महिला पुलिस कमांडर महिला प्लाटून नंबर सेवन मार्चिंग दस्ता एनसीसी कमांडर मधु मौर्या प्लाटून नंबर आठ मार्चिंग दस्ता एनसीसी कमांडर अपना नंबर नाइन मार्चिंग दस्ता कमांडर रात्रि में सुरक्षित रखने के लिए महिला की आर्मी की व्यवस्था शुरू की गई है। प्रदेश में 300 ऐसी की आर्मी है जिनमें दो दो सुप्रसिद्ध महिला कर्मी नियुक्त की गई है। इसके एक और महिला पुलिसकर्मियों को चुनौतीपूर्ण काम मिला है तो वही दूसरी ओर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यदि कोई महिला सड़क पर असुरक्षित महसूस कर रही है तो 112 काल तक पुलिस बुला सकती है। इन 12 गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचाया जा रहा है। अभी तक सैकड़ों महिलाएं इस सेवा का लाभ उठा चुकी है। हमने फील्ड यूनिट कमांडर आरिफ सिंह अमित यादव कमांडर उप निरीक्षक ज्ञान सिंह सैनी एसओजी कमांडर उप निरीक्षक अमित मिश्रा स्वाट टीम ड्यूटी कमांडर निरीक्षक राजेश प्रसाद यादव डॉग स्क्वाड डॉग हैंडलर आरक्षी सुरेंद्र यादव रेडियो सहायक कमांडर रेडियो उप निरीक्षक पुलिस कुमार राय फायर सर्विस कमांडर एफएसएसओ ओम प्रकाश गुप्ता लगातार और ये पीछे पीछे हमारे पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान जो आप देख रहे हैं कि लगातार अपने कर्तव्यों को अंजाम देने के लिए दौड़ते हुए तालियां बजाकर इनका स्वागत करें अभिनंदन करें तालियां बजाकर इन जवानों का हौसला अफजाई करें। आपने स्टैंडिंग ऑपरेशन दिया इसके लिए मैं पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने हौसला बढ़ाया है जवानों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित भी ये कोहरा कितना भी घना हो लेकिन अंदाजे रेड कार्पेट पर दिखाई दे रहे हैं। अलाइनमेंट पर हमारे जवान जी मैं गुब्बारे और गुब्बारों का यह शानदार सिलसिला एकदम परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है उड़ानों की वो तो हौसलों से सफर तय करते हैं आसमानों की
परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, धरती पर बैठकर क्या आसमान देखता है। लाइक अ डायमंड इन द स्काई। गणतंत्र दिवस 2020 71वें गणतंत्र दिवस पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि श्री अभिनव कन्नौजिया क्षेत्राधिकारी घोसी जिन्हें डीजीपी का अभिनव कन्नौजिया श्री अभिनव कन्नौजिया द्वारा उल्लेखनीय एवं असाधारण कार्यों हेतु पुलिस गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि श्री द्वारा। अब मैं मऊ जनपद के उन सम्भ्रांत नागरिकों गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करना चाहूँगा जिन्होंने इस जिले की शांति सद्भावना विकास और समस्या होने पर हर तरह से मदद की है। नाम पुकार रहा हूँ।